आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो क्लास 5 कराने जा रही हूँ, यानी आपको 5 क्लास में समझाने जा रही हूँ, उसमें मैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इसमें है क्या आखिर। तो हमारी जो बेसिक होती है, तो बेसिक में आपके इंचीटिव से रिलेटेड हेम सिलाई करना, जो कि आपको मैंने क्लासेस करा दी हैं, और कच्चा डालना, हाथ से किस तरह से कच्चा डालते हैं, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप जो सिलाई सीख सकते हैं अच्छे से। अगर आपके अंदर भी सिलाई सीखने की इच्छा है तो आपको पहले ये सब जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर क्या होता है, अगर अचानक से आप बड़ा सा काम स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने ये सब सीखा नहीं है और आपने स्टार्ट कर दिया बहुत बड़ा, यानी कि ब्लाउज़ तैयार करना स्टार्ट कर दिया, तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपके लिए पहले आपको छोटी छोटी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए, आज जो हम क्लास 5 में करने जा रहे हैं वो है हमारा काज करना। तो पहले मैं आपको बता दूं काज कितने तरह की होती हैं। काज जो होती है दो तरह की होती हैं, एक बटन वाली काज होती है और दूसरी हमारी जो काज होती है वो है हुक वाली। तो हुक के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो पहले बता दूं मैं कि बटन की जो काज होती है वो किस तरह से बनाते हैं। तो बटन वाली काज बनाने के लिए आपको एक कैंची की मदद लेनी पड़ती है, यानी कैंची से आपको एक होल बनाना पड़ता है, और होल बनाने के बाद उसे आपने गांठों से सिलाई करना है। और जो काज है वो जो आपकी ब्लाउजेस में भी यूज़ होता है, यानी कि अगर बटन वाले ब्लाउज तैयार कर रहे हैं, जैसे पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग जो महिलाएं होती हैं वो ज़्यादा ब्लाउजेस में बटन यूज़ करती हैं, तो उनके लिए आपको काज बनाना पड़ेगा। जैसे आपकी दादी नानी जिन जो भी हैं उनके लिए तो ब्लाउज तैयार करेंगे तो आपको परफेक्टली किसी तरह से आपको काज बनाना ही पड़ेगा। शर्ट वगैरह में आपने देखा होगा, और भी कई जो होते हैं, जैसे हम कोई डिज़ाइनिंग जो है स्लिप तैयार करते हैं तो वहाँ पर हम बटन लगाते होते हैं, तो वहाँ पर भी आप तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर पे हमारा आता है जो हुक वाली जो काज होती है। तो हुक वाली काज के लिए आपको क्या करना होता है, एक धागा जो होता है धागे से एक होल बनाना पड़ता है, जैसे आपने कैंची से काट कर उसका छेद बनाना होता है होल, उस तरह से आपने धागे से एक होल तैयार करना होता है, और उसके बाद उसे आप गांठों से सिलाई करके उस पर एक आई का शेप देंगे, यानी जो शेप बनेगी एकदम आइस की तरह दिखनी चाहिए, तो एक उसकी जो सुंदरता होती है देखने से एकदम आई के जैसे लगती है। तो बस ये थी आपकी जो इंट्रोडक्शन की काज कैसे करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पीटीएम बताती हूँ कि काज किस तरह से, मैं आपको करके प्रैक्टिकल बताती हूँ, और साथ में मैंने आपको बताया था कि कोर्स में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया था कि मैं नोट्स यानी कि नोट्स भी बनाऊंगी और साथ में कुछ पेस्ट भी करना बताऊंगी किस तरह से आप प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हैं। अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और भी क्या क्या आपको सीखना पसंद है वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोर्स के अलावा एक्स्ट्रा आपको सीखना चाहते हैं बुनाई से रिलेटेड, जैसे कि मैंने अब स्टूडेंट कोर्स दिखाना स्टार्ट कर दिया है बुनाई क्लासेस में, तो अभी उनकी मैंने क्रोशिया क्लास स्टार्ट की है, जो हमारी स्वेटर वाली कंटे वाली क्लासेस है वो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, तो उससे आपको रिलेटेड कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो वीडियो में पहले मैं आपको बटन वाला काज बताऊंगी, फिर हुक वाला काज बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरी जो प्रोजेक्ट जो पेपर है, यानी कि जो प्रोजेक्ट कॉपी मैंने इस तरह से तैयार जो कर रही हूँ, तो ये मैंने इसको बनाया हुआ है पहले से ही, लेकिन मैं आपके साथ इसको तैयार कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो ये देखिए, छोटा सा कपड़ा आपने लेना है, कोई भी घर में तो ऐसे भी नॉर्मल आपको कपड़े जो है मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं दो काज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं एक कटर से या कैंची से आप कट कर सकते हैं, ये मेरा कॉटन का कपड़ा है तो जल्दी से कट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे कटिंग कर लिया है कटर से। तो अब इस तरह से आपने फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इस तरह से देखिए ऐसे फोल्ड करके बीच से हल्का सा कट लगाना है। ये हमारा काज वाला जो है, यानी बटन वाला काज हम तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से होल बन गया, देख सकते हैं। आपने क्या करना है, एक बार ऐसे फोल्ड करके कट करना है, और अब मैं इसे एक डिफरेंट कलर से, जैसे वाइट कलर का मैंने धागा लिया हुआ है, इससे बताऊंगी ताकि आपको समझ आएगा कि किससे इसको हम काज तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से रखना है, और रखने के बाद हम इस तरह से, ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ना है। जब आप ब्लाउज में भी बनाएंगे तो ऐसे ही आपको पकड़ना होगा। सबसे पहले ये वाली जो है साइड, इस साइड पर हमने इसको गांठ लगाना, और गांठ इस तरह से लगाना, और धागा मैंने डबल लिया हुआ है, ऐसे इस तरह से कर देना है, और उसके बाद इस तरह से आप गांठ लगाएंगे। देखिए जो गांठ है वो आराम से, और ध्यान रखिएगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर धागा जो है बड़ा ले लिया है दोनों के लिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि धागा थोड़ा छोटा लीजिएगा, नहीं तो ये गांठ पड़ जाती है, फिर तोड़नी पड़ जाती है हमें।
तो ये इस तरह से आपकी जो शेप जो बनेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। इसको हम आई भी बोलते होते हैं, बटन वाली आई और काज हुक वाली आई बोलते हैं, काज भी बोल सकते हैं और आईज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो होल भी बोल सकते हैं, अपनी लैंग्वेज जो से आपको समझ आता है वैसे। तो ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ये बन रहा है। मैंने डिफरेंट कलर का धागा इसीलिए लिया हुआ था, देखिए इस तरह से रखना है और ये देखिए ऐसे लेना है। और लेने के बाद हमने इसको ये धागा जो है इसके ऊपर ऐसे रखकर और इसे इस तरह से खींचना है और आराम से खींचना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए इस तरह से ये हमारा इस तरह से शेप बनता जाएगा। इसी तरह से हम पूरा होल जो है तैयार करेंगे, पूरा होल को भरेंगे। और कोशिश करें यहाँ पे आपने ये वाला धागा जो है पकड़ लेना है, जो खींच हो रहा है उसको ऐसे खींचते हुए लेकर जाएंगे तो बहुत आराम से ये जो धागा बन हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से बन रहा है ना, तो मैं आपको यहाँ तक पहले बनाकर दिखाती हूँ, उसके बाद आगे कैसे मोड़ना है वो बताऊँगी आपको। तो देखिए यहाँ तक आ गए हैं, इसके बाद आपने ऐसे जो कपड़ा होगा ऐसे मोड़ लेना है और इसके जो कोन है कोन से यहाँ से इस तरह से इसको करेंगे। और देखिए इस तरह से इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जो है आसानी से, देखिए कितनी सुंदर से जो आपकी बननी चाहिए ये जो है ना, इस तरह से उबड़ खाबड़ नहीं बननी चाहिए, बहुत ही अच्छे से आपने बनाना है सुंदर सा, कि आपको भी लगे कि हाँ मैंने कुछ बनाया है। जब आप सुंदर खुद से बना लेंगे तो आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये मैंने तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आपने इसको होल को पूरा भरना है। तो ये हमारा है बटन वाला काज, जिसे बोल सकते हैं बटन वाली आई, आई भी बोल सकते हैं, जो ये शेप जो बनती है आईज की तरह बनती है पूरी, इसीलिए आई की पलकें आपने देखी होंगी ना, तो वैसे ही ये बनती होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैंने इसमें बताया नहीं आपको, जो बताऊंगी जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था उसमें ही ये चीज़ बताना था कि जो ये होल आपने बनाना है कितना बड़ा बनाना है। तो ये होल बनाने के लिए क्या है, जितना बड़ा बटन हो ना उसके साइज का ही बनाना है, क्योंकि बाद में जब आपने सिलाई करेंगे तो सिलाई से गांठे पड़ते पड़ते थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, जो कि हमारे बटन के लिए परफेक्ट हो जाएगी। तो आपने जितना बड़ा बटन लेना है उतना ही बड़ा होल कट करना है। तो आपने कट पहले थोड़ा करना है, फिर उसे नाप कर यानी कि जो बटन होगा उसमें डालकर देख लेना है, अगर वो परफेक्ट हुई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। तो वो आप जब मैं आपको ब्लाउज व्लाउज बनाऊंगी या फिर कुछ उसमें जैसे ही लगाते हैं वैसे मैं दिखा दूंगी, वैसे आप ये ट्रिक जान लीजिए कैसे बनाते हैं होल। यहाँ पर आने के बाद हम धागा को नीचे ले जाएंगे और गांठ लगाकर कट लग कर लेंगे, तो ये ट्रिक आपको पता लग गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा हुक वाला जो काज है वो बनाते हैं। तो ये हो गया कट, अब हम बनाएंगे हुक वाला काज, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दिख रही है। और ये आई का शेप मैंने बोला था, आई का शेप बन चुका है, यानी ये बटन का आई बना है, ठीक है। तो अब बनाएंगे हम हुक वाला काज। तो देखिए अब हम बनाएंगे काज जो हमारे बनाना है हमें किस चीज़ का। तो हुक वाला काज के लिए हमने इस तरह से कपड़ा को फोल्ड कर लिया है और अब हमने क्या करना है, धागा से एक होल तैयार करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से धागा से होल एक बनाएंगे तभी हम उसमें गांठ लगा पाएंगे। होल जो है इस तरह से बनाना है, ये देखिए ऐसे आपने होल तैयार करना है, यहाँ से आना है और यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेना है और फिर यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा लेना है, तो ये एक होल सा तैयार हो जाएगा, देख सकते हैं। अब ये होल जो बन गया ऐसे आपने 5-6 बार कर लेना है, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 बार कर लिया है, यानी 5 जो हमारे ये फंदे डल चुके हैं जो इसमें धागा फंस चुका है। तब इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे गांठे लगाएंगे, देखिए इस तरह से जैसे हमने काज में बनाया था बटन वाली उसी तरह से। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपका नीचे वाला कपड़ा नहीं पकड़ना चाहिए, जो सिर्फ धागा ही पकड़ना है इस तरह से। देखिए ये सुई जब डालेंगे इसमें तो ये सुई आपके डल जानी चाहिए इसमें, बस इसी तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से करते हुए पूरे को कंप्लीट कर लेना है। ये भी आपकी जो है अच्छे से सुंदर से बन जाएगी, देखिए इस तरह से डालेंगे और बड़े ध्यान से इसको इस तरह से करेंगे और इसको ऐसे फिर से डालेंगे और उसके बाद
ऐसे, तो देख सकते हैं इसमें कैसे बन रहा है। तो इसी तरह से हम पूरे होल को भर लेंगे, और मैंने आपको बता दिया कैसे होल इसको बनाना है। तो आई होप कि आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी, और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वाला कोर्स कैसा लगा। और मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अच्छे से यानी कि नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अब इसे हम पेस्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाएगा। साथ में जो आप अगर साथ में इस तरह स्टिचिंग सीख रहे हैं तो अपनी पेन और कॉपी और साथ में ये कुछ कपड़े के टुकड़े लेकर जरूर बैठें, ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसे देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही है। काज कितने प्रकार की होती हैं? तो दो तरह की होती हैं, बटन वाली और हुक वाली। बटन वाला काज कैसे बनाते हैं? जितना बड़ा बटन होता है उतना बड़ा कैंची से छेद सा कटिंग करेंगे और फिर गांठ लगाकर सिलेंगे। हुक वाला काज कैसे बनाएंगे? इसके लिए धागा का एक छेद सा बनाएंगे और फिर उसे गांठें लगाकर सिलाई देंगे। हुक कहाँ कहाँ लगा जाता है? तो ब्लाउज, कुर्ती के नेक जो बना होता है ना, बोट नेक, उसमें, या फिर चेन लगाते हैं तब, सूट के चाक एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। बटन कहाँ लगाया जाता है? ब्लाउज, शर्ट एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा हुक वाला और बटन वाला, जहाँ बटन वाला काज है वहाँ मैंने बटन वाला पेस्ट कर देना है, जहाँ हुक वाला है वहाँ पे हुक वाला। तो इसे मैं पेस्ट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये होगी हमारी पेस्ट। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं।